हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पे एसएससी की तरफ से जो फ्रेश और इम्पॉर्टेंट जॉब अपडेट्स हैं आज के इस वीडियो में वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे एसएससी की तरफ से जो हेड कांस्टेबल की वैकेंसीज निकाली गई हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, आप 8 जुलाई से अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते थे। लास्ट डेट यहाँ पर अप्लाई करने के 30 जून यहाँ पर रखी गई है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपको एग्जामिनेशन है वो अक्टूबर 2022 में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, टाइम लिमिटेड है। आप अब वैसे तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हो। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पहले से ऑलरेडी तैयारी कर रहे होंगे। यहाँ पर सारी डिटेल्स आप देख सकते हो, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। पे मैट्रिक्स की बात करेंगे, लेवल 4 के अकॉर्डिंग आपकी जो सैलरी रहने वाली है। और वैकेंसीज की बात करेंगे, यहाँ पर टोटल 573 वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं इस कैटेगरी में। अभी एक और नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, बट इस नोटिफिकेशन में आपको 573 के करीब यहाँ पर वैकेंसीज देखने को मिल रही होंगी। आगे चलते हैं, एक तरफ ये है। और फीमेल की बात करेंगे, जो ये वैकेंसीज आपको बताई हैं ये मेल कैटेगरी की बताई है, और फीमेल कैटेगरी की बात करेंगे 284 वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पर देखो, एक तरफ 573 हैं और एक तरफ 284 वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। एज लिमिट यहाँ पर 18 से लेकर 27 ईयर्स तक ही देखी गई है, और अपर एज लिमिट भी है कैटेगरी वालों के लिए। और डिटेल्स देख लेते हैं यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एज अपर एज लिमिट जो वो सब कुछ यहाँ पर बताया गया है, हाइट वगैरह बताया गया, एक्स सर्विसमैन के बारे में बताया गया इस नोटिफिकेशन में। हमारे लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है, क्वालिफिकेशन। अगर आप 12th पास हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, बट 12th में आपका साइंस या फिर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट रहना चाहिए था, या फिर अपने NTC क्लियर कर रहा है मैकेनिकल कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम ट्रेड में, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। 12th पास हो, सिंपली PCM वगैरह था, आप तब भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और बाकी कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए, इतना तो आपको लिए रहता ही यहाँ पर। और इंपॉर्टेंट क्या, NCC सर्टिफिकेट का भी बेनिफिट रहने वाला है, वो डिटेल्स में बताई गई हैं। एडिशनल मार्क्स की वेटेज के बारे में बताया गया है, वो सब कुछ भी आपको देखने को मिल रहा है। एडिशनल वेटेज के बारे में बताया गया है। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 है। SSC की ऑफिशियल साइट में जाके अप्लाई कर सकते हो। 100 रुपीज़ हमेशा की तरह यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी रहती है। और वुमेन की बात करो, SC ST एक्स सर्विसमैन, इनके लिए तो 100 रुपये भी नहीं देना है इनको। तो बाकी वुमेन्स की, बाकियों की बात करें, उनके लिए भी फ़ी जो है 100 रुपीज़ रखी गई, जो कि जेन्युइन फ़ी आप कह सकते हो जैसे। और आप एग्जामिनेशन सेंटर की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जम्मू कश्मीर वाला सेक्टर आपको यहाँ पर, ये अभी जम्मू कश्मीर वाला ही आ जाएगा आपके सामने, नॉर्थ वेस्टर्न वाला, जम्मू सांबा श्रीनगर लेह इस जगह में जो आपको एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह बनने वाले हैं। अब एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करेंगे, CBT आपका जो होगा 100 मार्क्स का रहने वाला है। और CBT में बड़ी बात यह कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है, नेगेटिव मार्किंग वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रहेगी। जनरल अवेयरनेस रहेगा 20 क्वेश्चन, साइंस 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन, रीजनिंग 20 और कंप्यूटर नॉलेज के 10 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का आपके सामने एग्जाम रहने वाला है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, स्टैंडर्ड 10+2 का रहने वाला है। और इंपॉर्टेंट डिटेल्स बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो। फिलहाल सिलेबस भी आपके सामने बताया गया है, सिलेबस के रहने वाले, इसमें से कई सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी हम इसे यूट्यूब चैनल पर कवर करवा चुके हैं, आप वहाँ पर जाकर वीडियोस भी देख सकते हो। बाकी ये नोटिफिकेशन के बारे में आपको सब कुछ समझ आ गया है। फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में बताया गया, रेस वगैरह कितनी रहने, लॉन्ग जंप कितना रहने वाला है। मेल कैंडिडेट्स के बारे में बताया गया है, तो आपका पहले रिटर्न होगा, फिर फिजिकल टेस्ट होता होगा, उसके बेसिस पर भी सिलेक्शन वगैरह हो जाएगी। तो ये था एक जॉब अपडेट, हम चलते हैं एक और जॉब अपडेट, हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा, ओली बोर्ड की तरफ से मॉनसून बिग बैश ऑफर भी चल रहा है, जहाँ पर बैश कोड यूज़ करके आपको 30% ऑफ मिलेगा सभी JKSSB एग्जाम पर, जैसे JKSSB, VLW, JKPSC, KS एग्ज़ाम। 11 जुलाई तक ये ऑफर रहने वाला है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, फ्री मॉक टेस्ट का लिंक मिलेगा, साथ ही साथ आप वहाँ पर जाके ओली बोर्ड के इन कोर्सेज को भी परचेज कर सकते हो। 30% ऑफ चल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में कमेंट को पिन कर दिया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट अपडेट भी यहाँ पर SSC की तरफ से, जब कांस्टेबल ड्राइवर के वैकेंसीज की बात कर जा रही है, यहाँ पर भी 30 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हो। एग्जामिनेशन का अक्टूबर के महीने में होने वाला है। और यहाँ पर बात करेंगे, वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही होंगी 1411 के करीब यहाँ पर वैकेंसीज देखने को मिल रही है। बाकी एज लिमिट के बारे में बताया गया, अपर रिलैक्सेशन वगैरह दी गई है। क्वालिफिकेशन की तरफ चलेंगे यहाँ पे, और इंपॉर्टेंट डिटेल जो हमारी ले जाती हैं वो यहाँ पे भी NCC सर्टिफिकेट्स को बेनिफिट दिए गए हैं, वो सब कुछ एडिशनल मार्क्स वगैरह बताया गया है। अप्लाई वगैरह कैसे करना है, एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बताया गया। क्वालिफिकेशन आपके सामने ये रहती है, 10+2 अगर आपके पास है, 12th पास हो, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। क्लोजिंग डेट तक अगर 12th पास हो जाती है अप्लाई कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको हैवी व्हीकल्स, हैवी मोटर व्हीकल की बात करें, उसका वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। जब आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट है, उस टाइम तक भी अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म को इसका हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस बना देते तो आपका काम चल जाएगा। और मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। तो इस तरह से ये था इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, जो आपके सामने अगर आप फुलफिल करते हो तो आप वीडियो को कवर कर सकते हो।
बाकी इसका सिलेबस भी ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, आपको देखने को मिलेगा जनरल अवेयरनेस है, इंटेलिजेंस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, बाकी रोड सेंस, व्हीकल मेंटेनेंस, इस पर भी 50 क्वेश्चन रहते हैं। तो इस तरह का सिलेबस यहाँ पे देखने को मिलता है, नेगेटिव मार्किंग 0.25 के थे, सिलेबस पूरी डिटेल में आपके सामने दिया गया है। तो इस तरीके से आप अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकते हो, SSC की ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है, नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके अप्लाई भी कर सकते हो, किसी तरह की प्रॉब्लम आप नहीं फेस करने वाले हो। आप डायरेक्टली गूगल में SSC सर्च करोगे तो भी SSC की ऑफिशियल साइट ओपन हो जाएगी, वरना ये भी SSC की ऑफिशियल साइट है ssc.nic.in, आप वहाँ पर जाके अप्लाई भी कर सकते हो, डिटेल में सबमिट भी सकते हो। बाकी किसी तरह का डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।